अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जैसे कि आप दोस्त जानते हैं आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 का होस्ट इस साल भारत होगा। नाज़रीन आईसीसी वर्ल्ड कप 2019 का चैंपियन अब इंग्लैंड है। नाज़रीन बात करेंगे आईसीसी वर्ल्ड कप वनडे इंटरनेशनल मैचों के हवाले से, तो नाज़रीन इसका आगाज़ कब से होने जा रहा है, इसका फाइनल मैच कब होगा, कितनी टीमें हिस्सा ले रही हैं, पाकिस्तान का स्क्वाड सामने आ चुका है, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 के लिए मुकम्मल अपडेट के साथ आपको आगाह करते हैं। इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर पहली मरतबा विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब करके साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको क्रिकेट के हवाले से तमाम अपडेट्स वक्त पर मिलती रहे। नाज़रीन आपने नीचे कमेंट सेशन में यह ज़रूर कमेंट करके बताना पाकिस्तान टीम में आपका फेवरेट प्लेयर कौन सा है, कौन सी टीम वर्ल्ड कप 2023 की चैंपियन बनेगी, कमेंट्स में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर करना। नाज़रीन बात करें तो आईसीसी वर्ल्ड कप में जो टीमें हिस्सा ले रही हैं उनमें इंडिया, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, वेस्ट इंडीज, पाकिस्तान, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड की टीमें शामिल होंगी। नाज़रीन दो क्वालिफाइंग टीमें होंगी जिनमें 10 टीमें शामिल होंगी, ये 8 टीमें थी। बात करें तो आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 का आगाज अक्टूबर के पहले हफ्ते यानी कि 10 तारीख से होने जा रहे। नाज़रीन 26 नवंबर 2023 को इसका फाइनल होगा। तो चलिए नाज़रीन एक नज़र देख लेते हैं पाकिस्तान का वर्ल्ड कप के लिए कन्फर्म स्क्वाड। नाज़रीन आईसीसी वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तान के स्क्वाड की बात करें 2023 के लिए कुछ इस तरह से होगा। पहले नंबर पर बाबर आजम, दूसरे नंबर पर इमामुल हक, तीसरे नंबर पर फ़खर जमान, चौथे नंबर पर मोहम्मद रिजवान, पाँचवें नंबर पर मोहम्मद हारिस, छठे नंबर पर हैदर अली, सातवें नंबर पर आसिफ अली, आठवें नंबर पर इफ्तखार अहमद, नौवें नंबर पर शादाब खान, दसवें नंबर पर उस्मान कादिर, ग्यारहवें नंबर पर इमाद वसीम, बारहवें नंबर पर मोहम्मद वसीम जूनियर, तेरहवें नंबर पर हारिस रऊफ, चौदहवें नंबर पर शाहनवाज धानी, पंद्रहवें नंबर पर शाहीन शाह आफरीदी, सोलहवें नंबर पर हसन अली, सतारहवें नंबर पर आसिफ आफरीदी और अठारहवें नंबर पर मोहम्मद आमिर के पाकिस्तान टीम में शामिल होने के इम्कान हैं। नेक्स्ट वीडियो तक हमें दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह के बान।